Subscribe now. आज हम करेंगे मॉरल वैल्यू क्लास थर्ड चैप्टर वन टू गॉड वी प्रे. ओके ओके मैम. ओके आप यहां से यहां तक रीड करो. ओके मैम. One day, Ankit and his father were walking along the river close and his palm folded to the man was sitting quietly what is he doing, asked Ankit. ओके एक दिन अंकित एंड उसके पापा वर वॉकिंग अलोन विद द रिवर, मतलब नदी के बगल में वॉक कर रहे थे. वेयर अंकित सोए, मतलब अंकित ने देखा ए मैन, एक आदमी सिटिंग ऑन द रिवर, रिवर मतलब रिवर के पास बैठा हुआ था, मतलब रिवर के ऊपर बैठा हुआ था, नदी के बीच में बैठा हुआ था. ब्लैंक मतलब फोल्ड को, मतलब अपने पैरों को आलती पालती मार के बैठा हुआ था. विद हिज आईज, उसकी आंखें क्लोज्ड यानी बंद थी. एंड हिज प्लम मतलब उसके प्लम यानी पैर फोल्डेड फोल्ड थे. द मैन वॉज सिटिंग क्वाइटली यानी वो जो आदमी था वो चुपचाप बैठा हुआ था. व्हाट ही डूइंग, आस्क अंकित. अंकित ने पूछा कि व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है. ओके यहां से यहां तक रीड करो आप. He is a devotee, Ankit replied. His father, he is praying to God. Okay, devotee means Pandit. Yes, पंडित जो भक्त भक्ति करते हैं, भक्त को बोलते हैं हम डिवोटी, जो ऊपर वाले का नाम वगैरह लेते हैं. ठीक है. ओके मैम. तो ही मतलब ही इज ए डिवोटी, वो डिवोटी अंकित, ये बोला उसके पापा ने ही. और फिर बोला कि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेयर यानी प्रेइंग टू गॉड, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं. ठीक है. ओके ओके लीना. ओके मैम. ओके उसके नीचे वाला क्या लिख रहा है, अंकित क्या बोल रहे हैं नीचे. हु इज द डिवोटेड फादर. सो अंकित पूछ रहा है हु इज द डिवोटेड फादर, डिवोटी कौन है. तो वो नीचे क्या बोल रहे हैं उसके पापा. A devotee is a person who worship God. He is devotee. Devotee वो person होता है who worship यानी जो भगवान के मंदिर, मतलब जो भगवान के मंदिर में पूजा वगैरह करता है उसे हम devotee कहते हैं यानी भक्त. ओके आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है लीना. यस मैम. ओके रीड करो, जो नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूंगी. ओके मैम. टू हिज गॉड मतलब टू हिज गॉड यानी वो डिवोटी है जो मंदिर में पूजा करता है. इज ए डिवोटी टू हिज गॉड मतलब अपने भगवान के लिए वो भक्त है. अंकित क्या कह रहा है फिर. अंकित Where does God live, Father? Father, God is everywhere. Okay, okay, again. Why do we pray to God? We pray to God to thank Him. But why is He thanking God? Father, He is thanking God for all that He has given to him. When someone gives you something or does something for you, always say thank you.
whatever it is your mother or father, your brothers, sisters, or your friends, you always express your gratitude towards them. God has created everything. He has created everything. Animal, and the most of all, he has created and me the least grateful for his grace by praying. बस अब मैं आपको एक्सप्लेन कर सो सबसे पहली लाइन में है यहाँ पे कि वेयर डज गॉड लिव फादर. अंकित पूछ रहा है अपने पापा से कि फादर गॉड कहाँ रहते हैं. फादर गॉड इज एवरीवेयर, गॉड हर जगह है. अंकित व्हाई डू वी प्रे गॉड, व्हाई डू वी प्रे टू गॉड, हम गॉड से प्रेयर क्यों करते हैं. सो उसके पापा कहते हैं वी प्रे टू गॉड टू थैंक हिम, हम प्रेयर करते हैं ऊपर वाले को थैंक यू करने के लिए. सो अंकित बट व्हाई इज ही थिंकिंग थैंकिंग गॉड, पर हम क्यों उनसे थैंक यू कहते हैं. तो उसके पापा ने उसको कहा है कि ही मतलब ही इज थैंकिंग गॉड फॉर ऑल दैट, मतलब सब चीजों के लिए हम थैंक करते हैं. He has given to him, मतलब जो भी ऊपर वाले ने इनको दिया है उस चीज के लिए वो ऊपर वाले को थैंक यू करते हैं. एंड द सेकेंड लाइन इज व्हेन, जब समवन गिव यू समथिंग और डज समथिंग फॉर यू, मतलब जब तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुम उनको क्या कहते हो, यू ऑलवेज से थैंक यू, तुम हमेशा उनको थैंक यू कहते हो. एंड व्हेन एवर इट इज योर मदर, जब आपकी मम्मा father, brother, sister or your friend, you always express the gratitude towards them. मतलब हमेशा वो आपको gratitude दिखाते हैं, मतलब आप भी प्यार दिखाते हैं, इज्जत दिखाते हैं, आपको चीजें देते हैं. So God has created everything. So God ने सब कुछ बनाया है. He has created everything. उन्होंने सब कुछ बनाया है. That we see, जो हम देख सकते हैं, the beautiful trees, जो beautiful trees हैं, and flowers यानी फूल, animals यानी जानवर, and the most of all he has created you, मतलब सबसे सुंदर चीज बनाया है ऊपर वाले ने तुम्हें and me and humans इंसानों को. the list would be endless, जो list है वो खत्म हो जाएगी. so we must thank him, और हम उनको थैंक करते रहेंगे. लिस्ट जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती, जो ऊपर वाले ने बनाया वो बहुत ही ज्यादा है. सो वी टेल हिम, हम उन्हें बोलते हैं वी आर ग्रेटफुल, हम बहुत अच्छे हैं फॉर हिज ग्रेस एंड बाय प्रेइंग टू देम, मतलब हम उनको इस चीज के लिए थैंक करते हैं एंड उसके लिए हम उनको थैंक यू करते हैं गॉड को इन सारी चीजों के लिए. गॉट इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, अब नीचे, अब नीचे एक मिनट में पहले कर दूं. और अब नीचे यहाँ पे अंकित ने बोला can I also ask to God give me something that I want, क्या मैं गॉड से कुछ मांग सकता हूँ जो मुझे चाहिए. तो दादा क्या बोल रहे हैं, अलीना बेटा रीड करो. Okay, ma'am. Well, Ankit, we don't pray only to ask for things. We also pray for forgiveness. We do so many wrong deeds, or we say false things that may be harsh or wrong, then we must admit our faults and ask God for our apology. We must also promise not to
Repeat what we have done wrong. ओके सो वेल मतलब ठीक है अंकित, वी डोंट प्रे मतलब हम सिर्फ प्रे ओनली टू आस्क फॉर थिंग्स, हम सिर्फ प्रे चीजों के लिए नहीं करते हैं. सो हम सिर्फ चीजों के लिए ऊपर वाले को थैंक नहीं कहते हैं, वी ऑल्सो प्रे फॉर फॉरगिवनेस मतलब हम इसलिए भी ऊपर वाले को प्रेयर करते हैं कि वो हमें माफ करें. एंड वी डू सो मेनी रॉन्ग मतलब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और वी से थैंक दैट मे बी मतलब हम उनको इस चीज बहुत सारी गलत और सही चीजें करते हैं जिनके लिए हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए ताकि वो हमें माफ करें, थैंक यू बोलना चाहिए. देन वी मस्ट एडमिट आवर फॉल्ट्स हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए एंड आस्क टू आस्क गॉड फॉर ए अपोलोजाइज गॉड से अपोलोजाइज यानी माफी मांगनी चाहिए. वी मस्ट ऑल्सो प्रोमिस और हमें प्रोमिस करना चाहिए नॉट टू रिपीट हमें उसे रिपीट नहीं करना है उस गलतियों को. एंड वॉट वी हैव डन रॉन्ग जो हमने गलतियां जो हमने गलत काम किया है उन्हें दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे. ओके ओके मैम. ओके अब आप यहां से पढ़ो कि अंकित. बट फादर हाउ डज गॉड नो अबाउट आवर नीड्स. ओके सो बट फादर हाउ डज गॉड नो अबाउट आवर नीड्स पर पापा गॉड कैसे हमारी जरूरतों को पता लगाते हैं, उनको कैसे पता होता है कि हमें इस चीज की जरूरत है. तो फादर क्या बोलते हैं लीना सीट करो. He knows it just the way your mother knew about your niece when you were very young. You called not speak not nor nor call you ask for anything yet she knew and gave you all that. You need it in the same way God also knows about our needs. हेलो ओके सो यहाँ पे बोल रहे ही नो उन्हें सब पता है इज जस्ट द वे योर मदर जैसे तुम्हारी मम्मा को पता है न्यू अबाउट योर नीड्स जैसे तुम्हारी नीड्स का तुम्हारी मम्मा को पता है. व्हेन यू वर वेरी हंग्री जब तुम बहुत भूखे होते हो एंड यू वुड नॉट स्पीक जब तुम नहीं बोल पाते थे और वो मतलब आप कुछ भी नहीं एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं बोल पाते थे खाने के लिए भी नहीं मांग पाते थे एंड शी इज नो उन्हें पता था एंड दैट गिव यू ऑल दैट यू नीडेड और वो तुम्हें वो सारी चीजें देती थी जिसकी तुम्हें जरूरत थी. इन द सेम वे वैसे ही तरीके से ऊपर वाले को भी मतलब गॉड ऑल्सो नो अबाउट योर नीड्स और वैसे ही गॉड को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारी नीड्स का पता है. सो अंकित क्या कहते हैं फिर. Can you tell me how to pray, Father? Can you tell me मतलब मुझे क्या बताओगे आप how to pray father मतलब आप पापा मुझे बताओगे कि prayer कैसे करते हैं. and father अलीना father वाला read करो. Okay, ma'am. It's easy, my son. Whenever you pray to God, pray with thankfulness towards God in your heart. Okay. So father, मतलब father बोल रहे हैं, it's easy, ये बहुत आसान है मेरे बेटे. Whenever, जब भी you pray to God, जब भी तुम्हें ऊपर वाले को prayer करना हो, so prayer with thankfulness, उसमें बहुत thank you करो ऊपर वाले का, एक मतलब और ऊपर वाले को प्योर हार्ट से सच्चे दिल से हर चीज के लिए थैंक यू करो उन्होंने तुम्हें जितनी चीजें भी दी हैं. ओके
ओके मैम। अब हम तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि हमारी चैप्टर की ये वहां से लेके यहाँ तक रीडिंग हो चुकी है। वेट ए मिनट। ओके अलीना, तो अब हम करेंगे अपना टिक द करेक्ट। तो अलीना रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर। One day, Ankit and his father were walking along riverside, ma'am. रिवर्स साइड, वेरी गुड। सेकेंड, The man sitting on the river bank was a devotee. वेरी गुड। थर्ड, Has created everything. गुड। ओके डी वाला बताओ, ये वाला। वी मस्ट एडमिट आवर फॉल्ट्स एंड आस्क गॉड फॉर ए We must admit our faults and ask God for us anything you your wish. हमारा आंसर होना चाहिए अपोलोजाइज। जब भी हम कोई गलती करते हैं, वी मस्ट एडमिट आवर फॉल्ट एंड आस्क फॉर ए गॉड। जब भी हम गॉड को अपनी गलतियां बताते हैं तो, और गॉड हमें माफ करे, मतलब हम उनसे माफी मांगते हैं। ओके मैम। अपोलोजी यानी माफी मांगना, ठीक है। अपोलोजी ओके मैम। यहाँ पर थर्ड पे है, ठीक है, थर्ड पे। ओके अब ओके मैम। हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड सिलेक्टिंग फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पर हमें वर्ड दे रखे हैं, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो वी प्रेयर टू, यहाँ क्या आएगा लीना? गॉड वेरी गुड। गॉड हैज क्रिएटेड द ब्यूटीफुल। एनिमल फ्लावर और एनिमल में से क्या आएगा? पर्सन यहाँ पर आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शंस है। फ्लावर, मेमोरी एनिमल, मैम गॉड है। यस, यू गॉड फ्लावर हैज क्रिएटेड द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड पर्सन, ठीक है। ओके ओके वी मस्ट प्रॉमिस नॉट टू, यहाँ पे क्या आएगा लीना? मैम। टू हाँ व्हाट वी हैव डन रॉन्ग वी मस्ट प्रॉमिस नॉट टू रिपीट 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 व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, मतलब हम प्रॉमिस करेंगे कि दोबारा से वो गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। गॉड आल्सो नो अबाउट आवर, यहाँ पे क्या आएगा? विशेष नीड्स। गॉड ऑल्सो नो, मतलब गॉड को पता है हमारे जरूरतों के बारे में। नीचे हमारा ट्रू फॉल्स, मतलब यहाँ पे राइट और रॉन्ग का टिक लगाना है। तो अलीना आप क्वेश्चन रीड करो और उसके बाद टिक लगाओ ट्रू और फॉल्स का। अंकित एंड हिज फादर वेर वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। मैम रॉन्ग। बेटा आपके वहां पेंसिल का ऑप्शन दे रखा है, उससे आप टिक लगाओ। ओके रॉन्ग है ओके तो मैम। एफ लिखो, अगर ट्रू है तो टी लिखो, या फिर ऐसे कट का भी निशान आप लगा सकती हो, ठीक है। गॉड हैज क्रिएट ओनली रिवर्स रिवर स्टार्ट एंड फ्लावर्स। नो मैम। और गॉड नोज अबाउट योर नीड जस्ट द वे योर मदर मैम सॉरी अबाउट द ओके मैम। नहीं होया, बी वाला तो आपने किया ही नहीं। ऊपर वाला आपने किया कि अंकित एंड हिज फादर वर वॉकिंग अलोंग द बैक ऑफ द कैनल, ये आपने गलत किया, बिल्कुल सही है।
तो ए डिवोटी इज ए पर्सन हु वर्शिप गॉड, तो डिवोटी वो इंसान है जो मंदिर में जाके ऊपर वाले की पूजा करता है, तो यहाँ सही का निशान लगाना चाहिए था। एंड गॉड हैज क्रिएटेड ओनली रिवर स्टेयर्स एंड फ्लावर्स, या ये तो रॉन्ग रॉन्ग ही है। एंड गॉड नो अबाउट योर नीड्स जस्ट द वे ऑफ योर जस्ट द वे योर मदर नो अबाउट देम, राइट। तो यहाँ पर आपने एक को मिस कर दिया था, बाकी आपके सही हैं। ओके गुड। और नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन आंसर, डू यू प्रे? अलीना क्या आप प्रेयर करती हो? आंसर दो ये दोनों में। यस गुड। हैव यू यस सीन एनीवन इन योर फैमिली प्रेइंग, मतलब आपने अपनी फैमिली में किसी को प्रेयर करते हुए देखा है? मैम। डू यू हैव ए सेपरेट प्लेस फॉर प्रेइंग इन योर हाउस? क्या आपके फैमिली में, आपके घर में कोई सेपरेट जगह है प्रेयर करने की? नो मैम। नेम ए फ्यू, मतलब ये छोड़ दो। हाउ डू यू फील आफ्टर योर प्रेइंग? आप प्रेयर करने के बाद कैसा फील करती हो? मैम अच्छा। या वेरी गुड। सो अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है लीना, अब हम कल मिलेंगे। ओके बाय बाय। ना होमवर्क में आपको सिर्फ आपने तो सारे क्वेश्चन आंसर यहीं सॉल्व कर दिए, यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं था, तो क्वेश्चन आंसर आज करने वाला नहीं है आपके लिए। ठीक है ओके मैम। ओके बाय बाय। बाय मैम।